तो गाइज ये रही अपनी हैंड ब्रेक की पाइप जो मैंने ऑर्डर की थी लास्ट टाइम। जो हैंड ब्रेक की पाइप लगी हुई थी उसमें क्या था, उसमें ना बीच में जॉइंट्स थे, तो जॉइंट्स की वजह से वो इतना मतलब कि इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं थी। लेकिन ये जो पाइप है ये पूरी एक की एक है। और ये रहा यहाँ पे हैंड ब्रेक का लीवर, इसमें ना क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा करके ना इसमें ऑयल डाल के पंप करना पड़ता है ताकि इसका जो प्रेशर है वो बन जाए। उसके बाद इसको बंद करके हम सील कर देंगे ताकि प्रेशर जो है बाद में बना रहे उसी तरीके से। और जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर आना भी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही प्रेशर आ जाए ना आप ये जो हैंड ब्रेक का लीवर है ना इसको कटवा लेना ताकि आपकी उंगलियों में ना लगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक उंगली से क्लच चलता है, एक उंगली से हैंड ब्रेक चलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक उंगली रहती है हैंड ब्रेक पे, दूसरी रहती है अपनी क्लच पे और दो उंगलियाँ अपनी ग्रिप पे रहती हैं। सो ये जो हैंड ब्रेक का पाइप है ये जा रहा है बिल्कुल नीचे जहाँ पे अपना कैलिपर लगा हुआ है बड़े वाला। सो इसकी पूरी वीडियो मैं एक बार यूट्यूब पे ब्लॉग बना के प्रॉपर डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर चेक करना।